रोहित शर्मा की ऐतिहासिक शतकीय पारी के बाद रो पड़ी रितिका सचदेव। अपने पति रोहित शर्मा की ऐसी लाजवाब पारी देखकर रितिका सचदेव की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद उन्होंने जो बयान दिया है उसे सुनने के बाद सच में आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ट्रोलर्स का मुंहतोड़ जवाब देते हुए रितिका सचदेव ने वो कौन सी बड़ी बात कही है, हार्दिक पांड्या को लेकर क्या कहा है और रोहित शर्मा की किस तरीके से उन्होंने की है तारीफ, चलिए दिखाते हैं उनके बयान का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला चल रहा है और इस मुकाबले में एक वक्त टीम इंडिया बेहद मुश्किलों में थी। महज 33 रन पर भारत के 3 विकेट गिर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि भारतीय पारी केवल 100 या 150 रन के अंदर ऑल आउट हो जाएगी, क्योंकि रोहित शर्मा और जडेजा को छोड़ दे तो और भी कोई बल्लेबाज कुछ खास दिख नहीं रहा था। लेकिन वो कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी पारी जिसने टीम इंडिया को न सिर्फ मुश्किलों से निकाला बल्कि जडेजा के साथ मिलकर उन्होंने इंग्लैंड की धज्जियां उड़ा कर रख दी। रोहित ने अपनी पारी में 196 गेंदों का सामना किया, कुल 131 रन बनाए। अपनी पारी में 14 चौके 3 छक्के भी जड़ डाले। छक्कों के मामले में उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को भी पीछे छोड़ दिया और इसके साथ ही रोहित शर्मा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट कैरियर का 11वां शतक पूरा कर लिया। पिछले कुछ समय से सबको लग रहा था कि रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं है। 2 टेस्ट मुकाबलों में उन्होंने एक अर्धशतक तक नहीं लगाया था, लेकिन रोहित शर्मा क्या कर सकते हैं ये वही जानते हैं और इस बार उन्होंने करके दिखाई दिया। अब रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की उनकी पत्नी रितिका सचदेव ने। उन्होंने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा ये केवल एक शतक नहीं बल्कि स्टेटमेंट है उन लोगों के लिए जो लोग ये समझते हैं कि रोहित को अब संन्यास लेना चाहिए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि रोहित ने अपने देश से बढ़कर या फिर अपनी टीम से बढ़कर कुछ सोचा हो। उनके लिए सबसे पहले उनकी टीम, उनके खिलाड़ी, उनका देश आता है। उन्होंने हमेशा जी जान लगाकर खेला है, लेकिन फिर भी लोग कभी कभी उन्हें सपोर्ट नहीं करते। फ्रेंचाइजी तो उन्हें कप्तानी से भी हटा सकती है, जो कि अभी हाल फिलहाल में देखने को मिला है। एक ऐसे खिलाड़ी को कप्तान बनाया गया है जिसने रोहित से ही सारे गुण सीखे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि रोहित को कप्तानी से हटाने के बाद बताया भी नहीं गया। खैर, सबको सबका जवाब मिल गया है कि रोहित क्या कर सकते हैं और हम इस शतक को बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। दोस्तों, रितिका सचदेव तो अपने मुंह से आग उगल रही थी। उन्होंने सबको आड़े हाथों लिया है, चाहे वो मुंबई इंडियंस हो या फिर हार्दिक पांड्या ही क्यों ना हो। उन्होंने अपने पति रोहित शर्मा की भी जमकर तारीफ की है और साथ ही ये भी कहा कि वो इस शतक को सेलिब्रेट करने वाली हैं। तो आपको रितिका सचदेव के बयान पर क्या कहना है और रोहित शर्मा की पारी कैसी लगी आपको? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।